ऋषभ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट फेस करता है कि हाउ टू हैंडल फेलियर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग आपके बारे में बात करें, सो यू यू वॉन्टेड टू गेट इन टू जेवियर्स आफ्टर योर क्लास 12, विच यू कुडंट. तो उसके बाद जेवियर्स नहीं मिला, दूसरे कॉलेज में गए, फिर एक्चुअल पेपर्स दिया, फिर उसमें थोड़ा हिंड्रेंसेस आया, फिर उसके बाद वापस CT1 में थोड़ा इशू आया. एक स्टूडेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि कैसे वो अपने लाइफ में हैंडल करे फेलियर्स को? क्लास 11 के स्टार्टिंग से जब मैं कॉमर्स लिया था तो मेरे माइंड में था कि मुझे जेवियर्स जाना. तो मैं पूरा 2 साल तक मेंटली प्रिपेयर था, माइंड में बैठ गया था कि मैं जेवियर्स ही जा रहा हूँ. लेकिन क्लास 12 में बोर्ड्स का रिजल्ट्स के कारण मतलब उतना मार्क्स नहीं आया मेरे लिए, तो मतलब वो मेरे लिए हैंडल करना, वो एक्सेप्ट करना कि तुम्हारा जेवियर्स में एडमिशन नहीं हुआ, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. मेरे को काफ़ी टाइम लगा इससे मतलब निकलने के लिए, क्योंकि 2 साल तक आप वो चीज़ सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो नहीं होता तो बहुत इशू होता है. लेकिन अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब मैटर ही नहीं करता. मैं मतलब कुछ भी हो, मैं अपने जॉब में अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा मेरे केस में मेरा जेवियर्स नहीं होना मेरे को मैटर नहीं किया. उस टाइम मैं अपने आप को जितना हार्ड हुआ मेरे ऊपर, मेरे को जितना मैं वो हुआ, तो सब रिक्वायर्ड नहीं था मुझे ऐसा लगता. फेलियर का तो एक्चुअल क्लियर तो ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स है. फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले 1 साल में 3 पेपर क्लियर करता था, अब 3-3 साल हो जाते एक भी पेपर नहीं निकलता है. तो वो आपको ऐसा सिचुएशन का हैंडल करना पड़ता है, आपको ऐसा गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना पड़ता, आपको पेपर देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कितने बार भी फेल हुआ लेकिन मैं कभी अटेम्प्ट में ब्रेक नहीं लिया, मैं पेपर देते गया. मैं ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा तो मैं रुक गया, मेरे को देना है पेपर भले हो या नहीं हो. और ऐसा भी नहीं है कि हाफ हार्टेडली ले रहा हूँ, मैं पूरा कोशिश के साथ ही पेपर देता था. अब नहीं होता वो अलग बात है. ठीक है, तो ऋषभ, एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है यहाँ पे कि यू मेंशन दैट कभी भी ब्रेक नहीं लिया, अगर फेल हुआ तो भी दिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दिया. अभी क्या सबसे ज़्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट्स में, वो जब रजिस्ट्रेशन का बारी आता है एग्जाम का, तो ये बोलते हैं कि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे, आई एम अंडर प्रिपेयर्ड, मैं नहीं दूंगा इधर, मैं अभी नहीं दूंगी. तो ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स का, आई थिंक ये सही नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि एक भी सेशन ब्रेक या एक भी अटेम्प्ट ब्रेक लेना चाहिए. तो ये क्या बोलना चाहते हो स्टूडेंट्स को हमारे? सो जैसे प्रवीण मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो हर एग्ज़ाम के पहले कोई भी एग्ज़ाम हो, हम उसको हमेशा फ़ोन करके बोलता था, भाई लग रहा नहीं होगा इस बार, अंडर प्रिपेयर्ड हूँ मैं. तो जिस अटैम्प्ट में क्लियर किया उस अटैम्प्ट में भी मुझे लगता था मैं अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, और जो अटैम्प्ट में नहीं हुआ उसमें भी लगता था अंडर प्रिपेयर्ड हूँ. तो वो एक अंदर माइंडसेट है कि तुम अंडर प्रिपेयर्ड है, लेकिन तुम्हें पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा डर तो हमेशा ही लगता है पेपर के पहले, वो अंडर प्रिपेयर्ड वाला वो रहता है. लेकिन उसको रख के पेपर नहीं देना, मेरे ख्याल से वो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि पेपर देने देते रहना चाहिए, डर तो हमेशा ही लगेगा पेपर देने से. करेक्ट, सही बात है.